दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मालनपुर श्री दिगंबर जैन मंदिर के पास समाजसेवी दिनेश परिहार उर्फ बंटू परिहार ने ढाबा वालों ने नगरवासियों के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था करने हेतु हनुमान चौराहे के पास जैन मंदिर के सामने एक वाटर कूलर लगवाया, जिसका उद्घाटन महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज दंद्रवा धाम एवं महामंडलेश्वर राम भूषण दास जी महाराज खनेता धाम के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर संत श्री ने कहा कि सार्वजनिक रूप से जल सेवा करना महापुण्य का कार्य है, ऐसे पुनीत कार्य आए दिन होने चाहिए। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। बहुत धार्मिक कार्य किया है और समाज के लिए करना भी चाहिए। परमात्मा ने यदि हमको सामर्थ्य दी है तो हम परोप कार्य के लिए ऊपर ही तो सरस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, इसीलिए गर्मी में जल की परम आवश्यकता है। तो हम बंटू जी को धन्यवाद देते, साधुवाद देते हैं, रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से समाज सेवा का ये काम करते रहे। और जल के द्वारा ही व्यक्ति का जीवन बचा हुआ है, तो ये कई कार्य से परमात्मा कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो धर्म सिर पल जाए सुहाए, जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर लक्ष्मी का निवास रहता है। हमारा लोक परलोक दोनों धन्य होते हैं। हम पुनः बंटू जी को धन्यवाद देते हैं इसी प्रकार से।